Welcome to our new video. So the next topic is living organism and energy production. So living organism में energy production mainly होता है respiration के through. In living organism दो respiration process होती है, at body level and at cellular level. So body level में क्या होता है, हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, inhale oxygen and exhale carbon dioxide. ये हो गया respiration at body level. But what is at cellular level? तो cellular level में क्या होता है, ये सेल में होता है और उनमें जो अपन फूड स्टफ्स खाते हैं वो ऑक्सीडाइज होते हैं विद और विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन. ये होता है सेलुलर लेवल पे. व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी? हमें मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? कार्बोहाइड्रेट. तो कार्बोहाइड्रेट हम डेली और एवरीडे खाते हैं और एवरीडे अपने को एनर्जी के लिए वो कार्बोहाइड्रेट लगता है. तो कार्बोहाइड्रेट से जो एनर्जी हमें मिलती है वो किस फॉर्म में होती है? वो फॉर्म में होती है एटीपी की. वो एटीपी के फॉर्म में होती है. तो ये एनर्जी हमें सेलुलर रेस्पिरेशन से मिलती है. तो सेलुलर रेस्पिरेशन डेफिनेशन क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट का सिंपल फॉर्म है ग्लूकोज. इट इज टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट. तो ग्लूकोज को हम स्टेप बाय स्टेप ऑक्सीडाइज करते हैं और उससे एटीपी हम जनरेट करते हैं. तो इसी को हम सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं. तो सेलुलर रेस्पिरेशन के दो मेन टॉप पॉइंट्स है एरोबिक रेस्पिरेशन. तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है उसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होता है. तो एरोबिक रेस्पिरेशन की मेनली प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल जिसे हम ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, और थर्ड है उसका पॉइंट ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. जो ग्लूकोज मिलता है हमें, जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस है उसमें ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है और उससे तैयार होता है 2-pyruvate मॉलिक्यूल और पायरुविक एसिड. हम उसे पायरुविक एसिड भी बोल सकते हैं. तो ग्लूकोज और से पायरुविट बनना ये प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस, और ये ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस परफॉर्म होती है सेल के साइटोप्लाज्म में. तो जब ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस परफॉर्म होती है तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल स्टेप बाय स्टेप ऑक्सीडाइज होता है और उससे हमें मिलते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविट और पायरुविक एसिड. और साइमल्टेनियसली उसी प्रोसेस में 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 ये भी जनरेट होते हैं. सो व्हेन जब हमको 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड मिल जाते हैं तो पायरुविक एसिड एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है. और जो ये एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है तो ये जो रिएक्शन है ये लिंक है बिटवीन क्रेब्स साइकिल एंड ग्लाइकोलिसिस. तो पायरुविक एसिड से हमें मिलता है एसिटिल कोएंजाइम ए. तो एसिटिल कोएंजाइम ए जब मिलता है तो वो कनेक्टिव लिंक है हमारा क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलिसिस के बीच का. तभी साइमल्टेनियसली जब हमें पायरुविक एसिड एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है तो 2 NADH2 मॉलिक्यूल ऑफ 2 NADH2 मिलते हैं और 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो उसके बाद जब एसिटिल कोएंजाइम ए इन्वॉल्व होता है क्रेब्स साइकिल में तो एसिटिल कोएंजाइम ए का जो एसिटिल होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, उसका ऑक्सीडाइज होता है, वो ऑक्सीडाइज होता है और उससे फॉर्मेशन होता है CO2 मॉलिक्यूल का, H2O मॉलिक्यूल का, FADH2 मॉलिक्यूल का और NADH2 मॉलिक्यूल का. तो जब जो क्रेब्स साइकिल में जो हमें FADH2 मॉलिक्यूल मिलते हैं और जो NADH2 मॉलिक्यूल मिलते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं प्रोसेस ETC में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और क्रेब्स साइकिल ये मेनली परफॉर्म होती है माइटोकॉन्ड्रिया में. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होता है, जब ये FADH2 मॉलिक्यूल NADH2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं तो 1 NADH2 मॉलिक्यूल से हमें 3 ATP जनरेट होते हैं 1 NADH2 मॉलिक्यूल से, और 1 FADH2 मॉलिक्यूल से 2 ATP जनरेट होते हैं. ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 1 NADH2 से 3 ATP, 1 FADH2 से 2 ATP, और उसी रिएक्शन में H2O इज ऑल्सो फॉर्म. तो ये सब कुछ था एनर्जी प्रोडक्शन के बारे में. तो हमने इस सारी रिएक्शंस में देखा होगा ATP, FADH2, NADH2, ये सारी चीज़ें क्या है, तो ये हम आगे पढ़ेंगे. तो अब हम देखते हैं कि व्हाट इज ATP, NADH2 एंड FADH2. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ATP. ATP क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ATP इज अ एनर्जी रिच मॉलिक्यूल जिसकी एनर्जी उसके फॉस्फेट बॉन्ड में प्रेजेंट होती है, और ये ATP मॉलिक्यूल 3 कंपाउंड से बना होता है, एडिनाइन, राइबोस शुगर और फॉस्फेट. तो जब एडिनाइन और राइबोस शुगर और फॉस्फेट ये तीनों एक साथ आते हैं तो ATP तैयार होता है जिसे हम बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से एनर्जी हमें कैसी मिलती है? जब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का 3rd फॉस्फेट ब्रेकडाउन होता है तो
एनर्जी रिलीज होती है, तो इसी की वजह से हम एटीपी को एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल ऐसा बोलते हैं। उसके बाद व्हाट इज NADH2? NADH2 का लॉन्ग फॉर्म है निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये भी एक एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है जिससे हमें 1 NADH2 से हमें 3 ATP मिलती है। और जो सेकंड है FADH2 वो है फ्लेविन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, इससे भी हमें 1 फ्लेविन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड से हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP मिलते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो जब फुल प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन कैरिड आउट होती है, यानी ग्लाइकोलिसिस, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो ये सब कुछ प्रोसेस कैरिड आउट होने के बाद हमें टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी ATP मिलते हैं, वो है 38 अमाउंट ऑफ ATP। तो यही प्रोसेस थी एरोबिक रेस्पिरेशन की। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।